हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा कि सीआरटी टीवी का एक फॉल्ट कि कुछ टाइम चलने का बाद वर्टिकल का जो हाइट मतलब नीचे से थोड़ा वो छोटा हो जाता है और ऊपर से भी थोड़ा छोटा हो जाता है। और दोस्तों, ये पीसीबी का और एक फॉल्ट है कि जो पिक्चर होता है पिक्चर का पूरा साइड वो काटा काटा दाग इसी तरह देखा जाता है। मतलब पिक्चर का क्वालिटी जो क्लियरिटी होना चाहिए वो क्लियरिटी नहीं है। ये दो प्रॉब्लम इसका मेन प्रॉब्लम है। तो ये कौन सा एक्शन से हो रहा है और ये इसका सिम्टम किस तरह देखा जाता है आपको वीडियो के अंदर देखूंगा, और ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है ये भी आपको वीडियो के अंदर देखूंगा। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। मेनली न्यू टेक्नीशियन ये वीडियो पूरा देखने के बाद थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये टीवी का सिम्टम आप अच्छा करके देखिए, ये नीचे पोजीशन, ठीक है। आपका सामने मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद देखिए अभी इसका स्क्रीन साइज पूरा ओके है, ऊपर नीचे कुछ भी डाउन नहीं है। बट इसका प्रॉब्लम किस तरह आता है, कुछ टाइम ऑन करके रखने के बाद ये नीचे से बहुत ही छोटा हो जाता है और ऊपर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो चलिए वीडियो लाइन देख के एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं वीडियो लाइन दे दिया और अभी इसी टाइम इसका साइज बिल्कुल ओके है। बट दोस्तों, ये सिनेमास्कोप पिक्चर है इसलिए इतना गैप देखा जाता है, ठीक है। तो बट तब भी थोड़ा डाउन लग रहा है क्योंकि मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, तो ये लैम्प ग्लो होने लगता है। तो इसीलिए 110 वोल्ट लाइन थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, तो उसी का रीजन से भी पिक्चर ऊपर और नीचे छोटा हो सकता है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लाइन दे दिया, ठीक है। तो आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ, देखिए अभी ये छोटा नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो बताना चाहता हूँ, मेरे 110 वोल्ट सप्लाई लाइन ड्रॉप हो जाएगा तो उसी का रीजन से जो वर्टिकल का हाइट ऊपर और नीचे थोड़ा छोटा हो सकता है और वो जंपिंग भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट अभी इसी टाइम देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है और स्क्रीन का अंदर जो पिक्चर का क्वालिटी आप अच्छा करके देखिए, पिक्चर का क्वालिटी भी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये लाइट का वजह पिक्चर थोड़ा ब्लोअर्ड लग रहा है, बट इसका जो पिक्चर क्वालिटी जितना अच्छा होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। और अभी तक इसका हाइट प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है, बस कुछ टाइम का बाद ही ये पिक्चर थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपको देखूंगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सिम्टम किस तरह आता है ये भी आपको देखना पड़ेगा और उसका बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखूंगा, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा, आप सही से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किस तरह प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। नहीं तो पूरा पीसीबी का पार्ट्स चेंज कर देगा तो तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं कुछ टाइम टीवी को ऑन करके रखूँगा, उसका बाद आपको देखाऊँगा। दोस्तों, लगभग मैं 15 मिनट के ऊपर टीवी को ऑन करके रखा हूँ और इसका नीचे देखिए पिक्चर थोड़ा छोटा हो गया। आप अच्छा करके देखिए, थोड़ा छोटा हो गया और ये ऊपर और थोड़ा सा छोटा हो गया। तो मतलब इसका इसी तरह हाइट प्रॉब्लम कुछ टाइम के बाद मिल रहा है, तो आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत दिन से पड़ा हुआ पीसीबी है, एक साल का ऊपर हो गया ये टीवी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए अभी इसी टाइम ये जो वर्टिकल लाइट है इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा और स्क्रीन पर देखिए अभी स्क्रीन फुल लाइट है, कुछ भी डाउन नहीं है। तो इसका एक नंबर पिन, ये साइड जो चारों पिन है, ये चारों पिन का ये नीचे एक नंबर पिन है, ठीक है। और ये साइड तीन पिन है। तो एक नंबर पिन पर कितना वोल्ट होना चाहिए देखिए, एक नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए 3.32 वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों, ये वोल्ट भी सही है। और उसके बाद दो नंबर पिन ये है, दो नंबर पिन पर कितना वोल्ट देखिए 27.2, ये वोल्ट भी सही है। और उसके बाद तीन नंबर पिन, तो दोस्तों ये तीन नंबर पिन है, तीन नंबर पिन पर कितना वोल्ट, तो दोस्तों ये 1 वोल्ट अभी शो हो रहा है। आपको नोट करना पड़ेगा ये जो तीन नंबर पिन है ये पिन पर 0.6 वोल्ट भी हो सकता है, ये पिन वोल्टेज थोड़ा सा लो और हाई भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो सर्विस मोड से सेटिंग करने के बाद जो इसका स्क्रीन का जो हाइट होता है ये अलग अलग पिक्चर ट्यूब के अंदर अलग अलग होता है, तो इसीलिए इसका हाइट कम बेसी जब होगा तो ये तीन नंबर पिन पर वोल्टेज कम बेसी हो सकता है, ठीक है। इसका वोल्टेज अभी 1 वोल्ट है। और उसके बाद चलिए चार नंबर पिन, ये चार नंबर पिन नेगेटिव है। और उसके बाद ये पाँच नंबर पिन,
पाँच नंबर पिन पर वोल्टेज मीटर पर देखिए 11.6 वोल्ट है, तो ये बल्ब भी ओके है। ठीक है, तो ये जो पाँच नंबर का पिन, एक्चुअली ये जो योक कॉयल है, वर्टिकल योक कॉयल का पॉइंट, यहाँ पर यह वोल्टेज जाता है। तो दोस्तों ये वोल्ट सप्लाई वोल्ट जितना होता है, ये थोड़ा जो हाफ वोल्ट होता है उसी से आसपास वोल्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, जो सप्लाई वोल्ट, तो ये सप्लाई वोल्ट देखिए आपको देखा है दो नंबर पिन, और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच नंबर पिन वोल्ट देखा है, सिक्स नंबर पिन, ये सिक्स नंबर पिन पर कितना वोल्ट है देखिए 26 वोल्ट है, 26.5, ये वोल्ट भी सही है। और चलिए सात नंबर पिन पर, इसका लास्ट पिन पर कितना वोल्ट, ये लास्ट पिन पर वोल्टेज देखिए 3.3 वोल्ट का आसपास, दोस्तों ये वोल्ट भी सही है। ठीक है, तो ये वोल्टेज चेक करने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप इसका सिम्टम देखिए, यह अभी थोड़ा सा डाउन हो गया बट और कुछ टाइम के बाद डाउन हो जाता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ये पीसीबी के अंदर जितने कंपोनेंट जो कैपेसिटर है वर्टिकल सेक्शन के अंदर, एक एक कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा। आप कैपेसिटर को जब स्क्रीन डाउन हो जाएगा उसी समय आपको एक एक कैपेसिटर ऊपर से लगा के टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं उस तरह नहीं करूँगा, तो मैं एट ए टाइम इसके अंदर जितना कैपेसिटर है ऑल कैपेसिटर को मैं चेंज कर दूँगा, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ पीसीबी है और कुछ दिन चलने के बाद तो दोस्तों एक एक कैपेसिटर वो फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वर्टिकल सेक्शन का दो एक कैपेसिटर चेंज करने के बाद एक बार देखूँगा। तो दोस्तों फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि ये लुकाना और छुपाना का कोई बात नहीं है, ये वर्टिकल सेक्शन का अंदर जितना कैपेसिटर है ये मैं सब कुछ चेंज कर दिया, सप्लाई लाइन का अंदर जितना कैपेसिटर और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई का अंदर जो कैपेसिटर है तो वो सब कुछ मैं एट ए टाइम चेंज कर दिया। और दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम वर्टिकल जो आईसी होता है कुछ टाइम हीट होने के बाद भी इस तरह प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए एट ए टाइम वर्टिकल आईसी को मैं चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेगुलेटर सेक्शन 5 वोल्ट सप्लाई होता है जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद जाता है मेन आईसी पर, तो दोस्तों वो सप्लाई ड्रॉप होने का रीजन से भी हो सकता है, तो वो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर अभी मैं चेंज नहीं किया, बट ये सब पार्ट्स चेंज करने के बाद इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो गया और इसका हाइट प्रॉब्लम भी चला गया। आपको देखा सकता हूँ इसका जो पिक्चर का क्वालिटी बहुत बढ़िया आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको और अलग अलग कुछ चैनल प्ले करके देखाऊँगा और टी वी को मैं सीधा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया, बट जिस तरह इसी तरह पीसीबी काम करना पड़ेगा आपको यही बात है। थैंक यू दोस्तों। तब ना बस हाथ में बस्ता देकर स्कूल भेजते रहे, अरे खाली क ख जानने से दुनियादारी नहीं आ जाता, और भी बहुत है कुछ है समझने बुझने।